हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएस एकेडमिक क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ डिस्कशन करेंगे और दो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स, उसको हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, ये मैं पहले बता चुका हूँ बट स्टिल ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली ये मैंने जो स्टेप्स उठाए हैं वो क्वेश्चन से उठाए हैं और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अनअकैडमी पे भी काफी लेक्चर्स क्रिएट किए हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए, पेपर नंबर 1 के लिए। ऑलमोस्ट मोर देन 50 लेक्चर्स उस पर क्रिएट मैं कर चुका हूं और भी जो है बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जो मैं जल्दी आपके लिए उस पर अपलोड करने वाला हूं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स कुछ शेयर किए हैं, आप उनको वहां पे जाके देख सकते हैं। आप जो भी आपके लेक्चर्स है आप उसको देख सकते हो। ओके, अगर किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझसे कॉन्टेक्ट करके या फिर जो भी हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उन पर पता करके हमसे उसके बारे में भी रिगार्डिंग में बात कर सकते हो। ओके, और सो जितने भी लेक्चर्स के जो लिंक्स मैंने बनाए हैं अनअकैडमी पे वो उसके लिंक्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उनको पढ़कर देख सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है, पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप, this is the first question, and next question is in which of the following reporting format is formally prescribed. Okay, so pehle hum aate hain action research par. Action research ek tarah ka aisa research hota hai jisme hame kisi bhi particular immediate problem ka solution find out karna hota hai. Jaise aap kahin par ek interview panel baitha hua hai, interview session panel baitha hua hai, uska jo main objective hai वो ये पता करना है कि हमारी कंपनी में यानी उनकी कंपनी में अगर इंप्लॉयज की जो सेटिस्फेक्शन नहीं है, इंप्लॉय अनसेटिस्फाई है, उसका कारण क्या है। तो इंप्लॉयज को सेटिस्फाई करने का क्या 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 स्टेप उनको उठाने हैं, क्या क्या करने हैं, या फिर अगर एम्प्लॉयज अनसेटिस्फाई है अपने जॉब से तो क्यों है। तो इसके लिए उन्होंने एक इंटरव्यू पैनल बनाया और साथ में उन्होंने एक उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई किया जाए, तो उसके ऊपर एक उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका सॉल्यूशन देने के लिए उनका काम है। तो उन्होंने जो वो लोग जो जिस तरह की रिसर्च करेंगे उसको हम कहेंगे एक्शन रिसर्च, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम में हमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए उसका इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए। तो एक्शन रिसर्च में भी ऐसा ही होता है। एक्शन रिसर्च में जो होता है वो ये है कि एक्शन रिसर्च में सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है और उसका हमें इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए। अब वो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा वो हमको देखना होता है, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन इन अ वेरी अर्जेंटली और इन अ वेरी अर्जेंट मोड। ओके, सो वी हैव सम सीक्वेंसेस, रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व प्ले एक्ट प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, यानी हमारे पास चार ऑप्शन है, रिफ्लेक्ट है, ऑब्जर्व है, प्ले प्लान है और एक्ट है। इनका सीक्वेंस हमें लगाना है कि कौन सा पहले स्टेप होगा। तो एक्शन रिसर्च में सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग इंटरव्यू पैनल बैठ गया है, सेट्स ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं, कौन से क्वेश्चंस अपने एम्प्लॉय से पूछने हैं, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों एम्प्लॉय अनसेटिस्फाई है और उनको कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है। इस तरह के जो स्टेप्स हैं, इस तरह की पूरी प्रॉपर प्लानिंग जो है वो करानी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर क्वेश्चन प्रिपेयर किया है और साथ में एक पर्टिकुलर जो उनका सॉल्यूशन है वो उनको फाइंड आउट करना है। ओके, सो इन डूइंग द एक्शन रिसर्च व्हाट इज द यूजर सीक्वेंस स्टेप। तो सबसे पहले प्लानिंग, देन एक्शन, देन ऑब्जर्वेशन, देन रिफ्लेक्ट। ओके, सो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, देन रिफ्लेक्ट। ओके, तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है एक्शन रिसर्च में, सबसे पहले प्लानिंग, देन एक्शन, देन ऑब्जर्व, हम लोगों ने क्या एक्शन लिया है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है और उस कॉन्सिक्वेंस को ऑब्जर्व करने के बाद देन अगेन वी हैव टू रिफ्लेक्ट। ओके, तो ये हो गया प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, जो इसका आंसर है वो आंसर टू इसका आंसर है। ओके, तो टू इसका आंसर है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। मैं फिर से बताता हूं, एक्शन रिसर्च में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमें एकदम इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, ऐसे केस में हम एक्शन रिसर्च को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग
रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रेस्क्राइब, यानी हमें हमारे पास उस पर्टिकुलर जो भी एक तरह से रिपोर्टिंग फॉर्मेट होता है उसका प्रिस्क्रिप्शन होता है हमारे पास पहले से डिफाइन होता है। तो हम ये कहां पर होता है, डॉक्टर लेवल थीसिस में, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर्स में, वर्कशॉप में, सेमिनार्स में या सिंपोजियम, यानी सिंपोजियम। तो देखिए जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या फिर मास्टर डिग्री कर रहे हैं उनके इंस्टीट्यूशन में उनके लिए डॉक्टरेट लेवल पे किस तरह से रिपोर्ट बनेगा, पब्लिश होगा, उसके बारे में पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही उनको अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। सो डॉक्टर लेवल थीसिस का जो रिपोर्टिंग का फॉर्मेट होता है इट इज वेल डिफाइंड और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने काम करना होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर्स में कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्फ्रेंस में कोई रिपोर्ट का फॉर्मेट हो, जरूरी नहीं है कि जर्नल्स में ऐसा नहीं होता है। ओके और वर्कशॉप एंड सेमिनार में किसी पर्टिकुलर तरह का कोई जो रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है वो भी नहीं होता। देन सिंपोजियम या सिंपोजियम जो है इसमें भी कोई रिपोर्टिंग का फॉर्मेट का कोई मतलब बनता नहीं है। ओके तो हमारे पास जो उसका आंसर है वो डॉक्टर लेवल थीसिस है, यानी जो फर्स्ट है वो हमारा आंसर है, यानी फर्स्ट इज आवर आंसर। ओके तो ये पहला क्वेश्चन था एक्शन रिसर्च के बारे में, दूसरा क्वेश्चन था रिपोर्टिंग फॉर्मेट के बारे में। अब हम आते हैं सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स। अब देखिए इसके अंदर सारे स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनको मैंने हटा दिया है। तो उसमें पहला है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, सेकंड होता है हाइपोथेसिस मेकिंग, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा एनालिसिस, देन वी हैव द फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन, देन वी हैव द कंक्लूजन एंड लास्ट इज द रिपोर्टिंग फॉर्मेट। तो वी हैव समवेयर अराउंड 8 पॉइंट्स इन अवर रिसर्च स्टेप्स। तो रिसर्च स्टेप्स के अंदर अगर देखा जाए, सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च में जाने से पहले हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, यानी हम किस पे रिसर्च करना चाहते हैं, देन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर हमारे हाइपोथेसिस क्या है जिनको हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, देन वी शुड हैव द रिसर्च डिजाइन, क्योंकि जिस तरह की प्रॉब्लम होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिसर्च डिजाइन होता है। और उसके बाद होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, पॉपुलेशन क्या है, यानी हमारा टारगेट पॉपुलेशन क्या है, टारगेट सैंपल क्या है, उनको उनसे कैसे डेटा हमें गैदर करना है। और उसके बाद है डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस में हमने जो डेटा गैदर किया है उसको प्रॉपर वे में कंप्लीटली डिफरेंट टूल्स से हम उसको एनालिसिस करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम अपनी जो भी थ्योरी है उस थ्योरी को हम जनरलाइज करते हैं या फिर बोला जाए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं और लास्ट में हमारा जो वर्क होता है रिपोर्ट राइटिंग का होता है। तो ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखे क्योंकि एक क्वेश्चन में इन्हीं सभी पॉइंट्स का एक सीक्वेंस पूछा था कि व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ दिस इन रिसर्च। तो फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, देन कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा एनालिसिस, देन फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन, देन कंक्लूजन एंड रिपोर्ट राइटिंग। ओके सो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए और दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज क्वेश्चन अल्ट्रियल वॉज आस्क इन अवर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। सो बिकॉज ऑफ फॉर योर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो आई डिस्कस जस्ट मैंशन द वॉट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स वेर एवर वी आर डूइंग एनी रिसर्च। ओके सो दीज आर सम अराउंड 7 to 8 पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेंबर एंड प्लीज राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने रिसर्च डिजाइन नॉट रिसर्च स्टेप्स और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसके अलावा मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि हम लोगों ने अन अकेडमी पर मैंने अपने नाम से एक हमने कुछ लेक्चर्स बनाए हैं और इसमें हमने काफी लेक्चर्स में यूजीसी नेट प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डिस्कस किया मैंने, आप उन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं और मैंने अधिकतर सभी लेक्चर्स के जो वीडियो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिए हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा जो भी हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं आप हमसे बात कर सकते हैं, मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी दे रखे हैं। साथ में हम लोगों ने जो ऑनलाइन लेक्चर्स का जो मॉड्यूल ऑनलाइन कोर्सेज का पेपर नंबर 1 का जो बनाया था उसको हम लॉन्च कर चुके हैं, आप हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पे जाके देख सकते हैं, वहां पे उनकी जो फ्री डेमो लेक्चर्स है वो भी सुन सकते हैं। ओके और इसके अलावा अगर कोई भी आपको कोई भी किसी भी तरह की इंक्वायरी करनी है तो आप मुझसे हमारे ईमेल आईडी पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये तो बात थी बाकी चीज की, पर इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट
आपका एग्जामिनेशन आ रहा है यूजीसी नेट का और बहुत जल्दी आ रहा है, हार्डली 30 डेज बचे हैं, जितनी मेहनत करनी है लास्ट मोमेंट है, लास्ट वन मंथ है, प्लीज कर लीजिए। हाँ गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत पसीना आ रहा है मेरे को, इवन मुझे भी आ रहा है लेक्चर बनाते समय, बट आप भी ध्यान रखिएगा कि कितनी भी गर्मी हो बट प्लीज आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि लास्ट मोमेंट है और किसी भी तरह की अपने ऊपर से कोई ऐसी बोला रहे कि आपके पास आप इतना कर सकते थे, आप करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, क्योंकि फिर एग्जाम फिर दिसंबर जनवरी में आएगा, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का समय आपके लिए फिर आपका छूट जाएगा। तो जितनी भी मेहनत कर सकते हैं आप करिए और इस समय में हम लोगों से जितनी भी मेहनत आपसे हमसे मदद हो पाएगी हम आपके लिए मदद करेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, थैंक यू।